मन्नालाल रावत जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। भाई साहब, इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, एक सरकारी अधिकारी वर्सेस सरकारी अधिकारी, कैसा रहा आपका चुनाव? देखिए, चुनाव हम कार्यकर्ता भाव से लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, जो राष्ट्र को आगे रखकर बात करनी है, जो परियोजना बनी है उनको लेकर, उस धारणा बनी है, जो दर्शन है उसको लेकर काम कर रहे हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की 10 साल की उपलब्धि है, उसको लेकर जब संवाद करते हैं तो जनता का पूरा समर्थन मिलता हुआ नजर आया। सब एक विपक्ष के द्वारा कह सकते हैं एक माहौल सा बनाया गया कि बीजेपी अगर वापस आती है सत्ता में तो आरक्षण खत्म कर देगी, क्या लगता है आपको इसका असर आपकी बेल्ट में भी देखा गया? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस बारे में पूरा स्पष्ट कर दिया, लेकिन मेवाड़ में यदि बात करें, उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में बात करें, तो ये विषय आया जरूर, लेकिन जब संवाद किया, इस बात को जोर शोर से रखा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो संविधान की रक्षा करती है, लेकिन ये बात भी रखी कि सबसे पहले संविधान संशोधन किसने किया और किस उद्देश्य के लिए किया, तो जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए, उसको कम करने के लिए किया। किसने किया? पंडित नेहरू ने किया। और आपातकाल किसने लगाया और किसने 42वां संविधान संशोधन करके किसने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया, जब बात रखी तो ये बात आगे समझ में आई जनता को और युवाओं को कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी संविधान की रक्षा करने वाली पार्टी है। आपके क्षेत्र में जिस प्रकार से आप ये बात समझा पाए, क्या लगता है आपको कि बाकी जो और जो दूसरे क्षेत्र है वहां पर इसकी कमी खली? विषय तो हर जगह बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और संवाद करेंगे तो समाज में ये बात रास्ते बनते चले जाएंगे। गुंजाइश तो हर काम की रहती है, लेकिन देख जनता किस तरीके से लेती है और सारी चीजें आने वाले कालखंड में और अच्छा करेंगे। अब आगे क्या कुछ चुनौतियां आप देख रहे हैं? चुनौतियां काम करेंगे, सरकार बन रही है, जैसे केंद्र के निर्देश होंगे वैसे काम करेंगे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ मन्नालाल रावत जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी माहौल विपक्ष के द्वारा बनाया गया, उस माहौल की पूरी काट उदयपुर और इस मेवाड़ क्षेत्र में की गई और उसी का नतीजा है कि जनता ने उन्हें जिताकर भेजा और जहां पर कुछ कमियां रह गई हैं उसे दुरुस्त किया जाएगा और केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर फिर से एक बार भाजपा की जो सरकार केंद्र में जो बनी है और साथ में साथ राजस्थान में जो सरकार है, डबल इंजन की तरह काम करेगी और जो भी समस्याएं हैं उसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।